एवरीवन, मैं कुक विद मीना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो चलते हैं फिर किचन की ओर। यहाँ पे हमने एक कटोरी आटा ले लिया है, इसे हम आटा से बनाएंगे। इसी में हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। इसमें हम एक छोटा चम्मच के करीब अजवाइन ले लेंगे। इसे हम इस तरह से मसल के डालेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लेंगे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम मोयम के लिए 2 चम्मच के करीब घी ले लेंगे। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच सूजी ले लेंगे, इससे ये नाश्ता क्रिस्प बनता है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बाटी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब तेल ले लिया है। साबुत जीरा, साबुत धनिया और सौंफ को हल्का सा रोस्ट करके इसे हमने भून के कूट लिया है। अब इस मसाले को हम डाल देंगे इसमें। इसी में हम 1 चम्मच के करीब कूटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ले लेंगे। इसे भी हम मिला लेंगे इसमें। हमने यहाँ पे फ्रोजन वाला मटर ले लिया है। अगर आपके पास घर में फ्रेश मटर पड़ा हो तो आप उसे ले लेना। ये भून चुका है, इसमें अब हम आलू को डाल देंगे। हमने यहाँ पे 4 से 5 आलू ले लिया है मसल के। इसे हम अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। इस भून के करीब देगी मिर्च ले लेंगे और 1/3 स्पून के करीब हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेंगे। हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे हमने चाट मसाला ले लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। हमने 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक ले लिया है। मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से बना के इसमें अब हम फिलिंग को डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं। इसमें हम इस तरीके से कट का निशान लगा देंगे। और इसे इस तरीके से दबा देंगे। ये एक डिजाइन सा बन गया। इसी तरह हम सारे को कर लेंगे। हमारे सारे बाटी बनके तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम बनाने के लिए चलते हैं। इसे हम अप्पे बर्तन में बना रहे हैं। इसमें अब हम तेल डाल देंगे। पूरे बर्तन में हम तेल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसमें अब हम बाटी को डालेंगे। इसमें अब हम बाटी को डाल के सेक लेंगे और फ्लेम को लो कर लेंगे। हम इसके ऊपर से भी तेल को लगा देंगे और इसे हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाए फिर इसे हम पलटेंगे। इसे हम पलट लेंगे। इसे हम चारों साइड से पलट के सेक लेंगे। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये एकदम खस्ता और क्रंची बनी है। इस तरह से आप
क्रिस्पी नाश्ता बना सकते हैं। ये ना तो कचौड़ी है ना समोसा, मैंने इसे एकदम नए तरीके से बनाया है इस बाटी को। इसे अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। इसमें फिलिंग भी अच्छी तरह से भरी हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।